क्वेश्चन नंबर टू देखिए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ देता हूँ, ठीक है। आपके पास बुक होगी, आप देख सकते हो, वैसे मैं बोल भी दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी जैसा एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, करेक्ट। तो कोई फ्लाई ओवर होता होगा, आपने भी कभी देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये ऐसे करके एक फ्लाई ओवर होता है, ठीक। आपकी गाड़ी यहाँ से नीचे से जाती है, ये देखिए एक ट्राइंगुलर वॉल यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ये लगभग ट्राइंगुलर शेप का है मान लो, ठीक है। ये देखिए आप कार से जा रहे हो, ये फ्लाई ओवर है इस तरीके से, एक ट्राइंगुलर वॉल आपको इधर दिखाई पड़ती है, एक इधर, और इसके बीच से ऐसे गाड़ी आपकी निकल जाती है। कभी देखा है ऐसे बीच से आपकी गाड़ी निकलती, ऐसे फ्लाई ओवर होता है, करेक्ट। एक ट्राइंगुलर वॉल इधर दिखाई पड़ता है, एक ट्राइंगुलर वॉल इधर दिखाई पड़ता है। और आप कभी, आपने अगर गौर किया हो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जैसे पार्ले जी का ऐड लगा या डाबर च्यवनप्राश लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, करेक्ट। तो ये देखिए जो वॉल के डायमेंशन हैं ये दिए हुए हैं, यानी कि ट्राइंगुलर शेप का लगभग मान लो आप इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13 मीटर 14 मीटर एंड 15 मीटर, करेक्ट। 13, 14 एंड 15, करेक्ट बच्चों। तो देखिए 15 है, ये 13 है, और ये मान लीजिए कितना है, 14 मीटर है, ये वॉल्स की लेंथ है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ये राइट एंगल हो, ठीक है, वो सब तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये राइट एंगल है कि नहीं है, ठीक है, उसको आप छोड़ो, हम हीरोन से इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको राइट एंगल बच्चों चेक भी करना है तो आप कर भी सकते हो, कैसे, 15 का स्क्वायर अगर किसके इक्वल आ रहा हूँ, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, तो ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, चलो चेक कर लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 225, करेक्ट। और 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 169। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 196, अगर आप ऐड करोगे 6 + 9 कितना होता है बताइए, 15, है ना, कैरी जा रहा है 1, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 + 1 = 16, कैरी 1, नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला फंडा नहीं है, ठीक है, बिकॉज 365 आ रहा है ना दोनों का स्क्वायर सम करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हीरोन सी लगाओगे आप। अब सुनो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स, यील्ड्स मतलब देता है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अर्निंग कितनी होती है, ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर। देखो इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, ₹2000 पर मीटर स्क्वायर अ ईयर, मतलब समझो, मतलब इस वॉल को अगर आप हायर करते हो, मतलब इस पर अगर आप अपनी कंपनी का ऐड लगवाना चाहते हो, तो अगर आप एक साल के लिए हायर करते हो, आ ईयर मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी कि 12 महीने के लिए अगर आप इसको हायर करते हो, तो आपको ₹2000 देना पड़ेगा, किसके लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना देना पड़ेगा, ₹2000, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में कह रहा है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 6 मंथ, ठीक है, एक कंपनी ने इसको कितने मंथ के लिए हायर किया, 6 मंथ के लिए, करेक्ट। तो कंपनी ने इसको हायर किया, कोई कंपनी होगी, सपोज डाबर च्यवनप्राश की कंपनी है, उसने इसको हायर किया, तो कंपनी हायर्ड इट फॉर 6 मंथ, इसको 6 मंथ के लिए हायर किया कंपनी ने। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो भाई जो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है उसको कुछ किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, तो कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा ये आपको निकालना है क्वेश्चन में, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हमारी यहाँ पे अप्रोच क्या होगी, आप पहले ये चेक करो कंपनी ने कितने महीने के लिए इसको हायर किया है, 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पहले आप ये निकाल लो कि 6 महीने में कंपनी को 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ये आप निकाल लो। फिर इस वॉल का आप एरिया निकाल लो, जो भी एरिया आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो भी कॉस्टिंग आई थी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को। नहीं समझ में आया, सुनो, पहले आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे यहां पर वो किसके लिए करोगे, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रेंट, हेडिंग लगा लीजिएगा कॉपी में, रेंट पेड फॉर व्हाट, 1 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेंट देंगे पहले ये निकाल रहे हैं, कितने महीने में, इन 6 मंथ्स। अब देखो कैसे बच्चों, बहुत इजी है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, सही है ना, तो 12 महीने में कितना देता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 2000, तो बताओ 6 महीने में कितना देगा, 1000, अरे इसका हाफ कर दो। हाँ, जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आप इस तरीके से पढ़ो क्वेश्चन को, देखो जरा ऐसे देख लो, ₹2000
पर मीटर स्क्वायर, अ ईयर की जगह लिख दो क्या, फॉर 12 मंथ्स, सही किया कि नहीं बताइए, सही है ना। अ ईयर का मतलब 12 मंथ, भाई वन ईयर बोलो, अ ईयर बोलो, वन ईयर बोलो या 12 मंथ बोलो, बात क्या है, सेम है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे देखिए, हम लिखेंगे फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर, ये सुन लो, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर पे एडवर्टीजमेंट करने का खर्च कितना है, ₹2000, ये सुन लो। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, अगर 12 महीने का खर्च कितना है ₹2000, तो 1 महीने का खर्च कितना होगा बताइए, ये 12 आके इधर क्या करेगा 2000 में डिवाइड लगा देगा, तो फॉर 1 मंथ, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹2000 डिवाइडेड बाय ये 12 कहाँ आएगा, नीचे, ये नीचे, बस हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। अब बताओ 1 मंथ का कॉस्ट पता चल गया, अब आप 6 मंथ का कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 6 मंथ, क्योंकि हेडिंग भी हमने यही लगाई थी ना, 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, फॉर 6 मंथ, ये सब ऐसे ही कॉपी कर लेंगे ऊपर से, ठीक है, फॉर 6 मंथ जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, रुपीस कितना हो जाएगा बोलिए, 2000 upon 12 इंटू क्या कर देंगे 6, अरे भाई ये 1 मंथ का था ना, आपको 6 मंथ का निकालना है तो 6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है बताइए, कितना आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, और ये आ जाएगा लीजिए 1000, यही बात तो मैंने बोली थी डायरेक्ट भी आपको, बट फिर भी आप निकाल के इस तरीके से दिखाइएगा, पता है क्यों, क्योंकि बेटा देखो कभी कभी ना, कभी कभी 6 मंथ नहीं आता, एग्जाम में आएगा 5 मंथ के लिए, अब क्या करोगे बताओ, 5 मंथ के लिए, तो सोचो यूनिटरी मेथड तो लगाना पड़ेगा ना, कि भाई 12 महीने का खर्च कितना है, ₹2000 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ध्यान रखिएगा, तो 1 मंथ का आपको निकालना ही पड़ेगा, 1 मंथ का कितना हो जाएगा 2000 upon 12, तो 5 मंथ का कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मंथ का कितना हो जाएगा 6 से, 9 मंथ का कितना हो जाएगा 9 से, 10 मंथ का कितना हो जाएगा 10 से, इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, करेक्ट। तो बच्चों ये आ गया, नाउ अब आप एक काम करो, सुनो ध्यान से, अब आप एक काम करो, ये जो ट्राइंगुलर एरिया है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना कितने मीटर स्क्वायर पे एडवर्टीजमेंट कराया है उन्होंने, क्योंकि ये जो कॉस्ट निकला है ये ₹1000 जो निकला है वो किसके लिए निकला है, पर मीटर स्क्वायर के लिए, करेक्ट, 6 महीने में 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना खर्च देना होगा, तो टोटल एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना, तो टोटल एरिया फॉर एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय, यहाँ डायग्राम में ऐसे फ्लाईओवर आप दिखा दीजिएगा किस तरीके से, और ट्राइंगल का नाम रख दो, ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, टोटल एरिया फॉर एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, करेक्ट। नाउ सबसे पहले आपको निकालना होगा यहाँ सेमी पेरीमीटर, ठीक है, तो अब ये फ्लाईओवर मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपको सेमी पेरीमीटर निकाल के दिखा देता हूँ, सेमी पेरीमीटर a+b+c/2 है ना, तो 15+13+14/2, चलिए कैलकुलेट करिए सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 4+3 7, 7+5 क्या होता है 12, कैरी जाएगा 1, तो 1+1 2+1 3+1 4, 42/2 कितना हो गया 21 मीटर, करेक्ट, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बताओ 21 मीटर, तो नाउ एरिया डेल्टा, एरिया इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ s s-a (s-b)(s-c), करेक्ट, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज s, s कितना है 21, करेक्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 21 (s-a) यानी कि 21 - 15, s-b यानी कि 21 माइनस ये a है, ये b है, ये c, 21 - 14 (यहाँ पे क्या जाएगा s-c यानी कि 21 - 13, सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 21 ऐसा ही रहेगा, 21 - 15 कितना होता है 6, 21 - 14 कितना हो जाएगा 7, इंटू 21 - 13 कितना हो जाएगा 8, है ना,
चलिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, देखते हैं क्या। देखो 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7 इंटू 6 को आप 2 इंटू 3 लिख दीजिए, इंटू 7 इंटू ये 8 को आप 2 इंटू 4 लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है, अब आपको दिख रहा होगा क्या फ़ायदा है यहाँ पर, ध्यान दें बच्चे। देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, फिर इंटू देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। ये तो यहां पर 4 लिखा ही हुआ है और 4 का स्क्वायर रूट होता कितना है 2, फिर इंटू अब देखो यहां भी 7 है और यहां भी 7, 7 7 जा 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, जैसे भी आपको निकालना हो निकाल लो, आप तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 3 7 जा 21, 21 इंटू कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 21 इंटू 4 भाई, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, ये लीजिए 84 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ये पूरा एरिया कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, इतना सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए मैं रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। चलिए देखिए, तो टोटल एरिया आपका कितना आ गया यहाँ 84 मीटर स्क्वायर, यस और नो, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी बात, मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो आपने निकाला था कॉस्ट रुपीज़ 1000 पर मीटर स्क्वायर, ये कितने टाइम के लिए था, हेडिंग पड़ी हुई ना, सिक्स मंथ के लिए था कि नहीं, और सिक्स मंथ ही उन्होंने क्या किया एडवर्टीजमेंट किया, तो सिक्स मंथ के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹1000, तो सिक्स मंथ के लिए इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको उठा के ₹1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये सुनो। तो देखिए टोटल कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर सिक्स्थ मंथ, फॉर सिक्स मंथ्स इज गिवन बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, वहां पर देखिए कितना आया था ₹1000 पर मीटर स्क्वायर आया था, और इंटू में एरिया कितना आया है 84 मीटर स्क्वायर, यहां मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, क्योंकि यूनिट किस में आना चाहिए रुपीज़ में, 84 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 84000, ये लीजिए तो रुपीज़ कितना आ गया 84000, यानी कि 84000 रुपीज़ उनको सिक्स्थ मंथ के लिए अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए देना होगा इस वॉल पे। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर सकते